तो हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है हम जान चुके हैं। सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम इनके बारे में भी समझ चुके हैं। अब बारी है कंसंट्रेशन को समझने की। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम दो बीकर लेंगे। ठीक है, हमारे पास दो बीकर्स हैं और दोनों बीकर्स में हम इक्वल अमाउंट ऑफ पानी ले लेंगे। ओके, मान लो हमने 50 ml पानी इसमें ले लिया, तो हमने 50 ml इस बीकर में भी ले लिया। अब क्या करेंगे, हम एक क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का। पोटेशियम पर मैग्नेट का ये केमिकल फॉर्मूला है KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो पर्पल कलर देता है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट गिव्स पर्पल कलर इन वाटर। तो यहाँ पर हमने 50 ml पानी लिया था, इधर भी 50 ml पानी लिया था। तो मान लो एक पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल लिया मैंने और इस 50 ml पानी में मैंने डिजोल्व कर दिया। इधर एक ही क्रिस्टल लिया है मैंने और इस 50 ml पानी में मैंने पूरा एक स्पैचुला भर के KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें डाल दिया है। ठीक है, स्टिर कर दिया मैंने दोनों ही सॉल्यूशंस को। तो अब चूंकि इस बीकर में सिर्फ एक क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो इस बीकर का जो पर्पल कलर होगा ये थोड़ा सा लाइट होगा। है ना, प्रैक्टिकल बात है ये तो एकदम। और इस पे मैंने थोड़ा ज़्यादा पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। है ना, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों ही सॉल्यूशंस में अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिजोल्व किया है। ठीक है, इसमें एक ही क्रिस्टल डाला था, इसमें पूरा एक स्पैचुला भर के हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। है ना, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूट, क्योंकि हमने उसको डिजोल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर। तो जिस चीज को डालते हैं हम वो है सॉल्यूट, और जिस चीज में डालते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दोनों ही केसेस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अलग अलग है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन होगा डाइल्यूटेड या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है। ठीक है, सॉल्यूट बहुत कम है और जो भी अपना सॉल्वेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन दोनों बीकर्स में से ये वाला जो बीकर था ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, अब एक दूसरी टर्म आती है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन था इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब एक और टर्म आती है विच इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने इतना सारा सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया है कि वो सॉल्यूशन और सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पा रहा। क्या कहा मैंने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमने इतना ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया कि अब और सॉल्यूट हम उसमें डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो एक कटोरी हमारे पास चीनी है और एक दूसरी कटोरी में हमारे पास पानी है। ठीक है, तो ये पूरा फुल भरा हुआ है पानी से कटोरी, तो हमने शुगर को इसमें डालना शुरू किया, स्टिर किया, तो शुगर इसमें डिजोल्व हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने इसमें और शुगर डाला और शुगर डाला, डालते गए तो एक ऐसी लिमिट आएगी ना जिसके बाद और शुगर इस पानी में डिजोल्व नहीं होगी। तो वो लिमिट ही जब अटेन हो जाती है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो और अगर वो सॉल्यूशन सैचुरेशन वाले लेवल पर पहुंच गया है, हाँ उस लेवल पर आके जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैंने इधर डिजोल्व किया सॉल्यूशन में उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहा मैंने कि अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है, मतलब
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, हाउ कैन वी डिफाइन सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। व्हाई वी आर सेइंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके सैचुरेशन पर असर पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। तो पहले हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब एक और सॉल्यूशन है विच इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी सैचुरेशन वाली लिमिट पर नहीं पहुंचा। ठीक है, उस लिमिट से पहले वाले जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं दे ऑल आर अनसैचुरेटेड। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्यूट मौजूद है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, एक और बार क्लियर करो, सैचुरेटेड मतलब क्या होता था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हमने बहुत सारा सॉल्यूट डाला है, इतना कि अब वो सॉल्यूशन और सॉल्यूट नहीं ले सकता अपने अंदर। ठीक है, और अनसैचुरेटेड मतलब हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट तो डाल दिया लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी बची हुई है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। ठीक है, तो उस सैचुरेशन लेवल से पहले वाला जितना भी मतलब सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन अपनी सैचुरेशन लेवल पर नहीं पहुंचा तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। कैसे बनता है ये आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसी को हम उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है ये भी उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, या तो उसे मास बाय मास परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लो, ये और दूसरा या तो उसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लो। देखो, मास बाय मास का मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही सॉलिड हैं, मतलब उन्हें हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, सॉलिड की बात नहीं, अगर हम मास की बात करते हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम्स, क्योंकि मास की यूनिट होती है ग्राम। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब है वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही ग्राम्स में मेजर किए हुए हैं। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड है, मतलब उसे हम ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसे हम लीटर्स में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है, और उसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये चीज़ समझ आई भाई? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, मास बाय मास परसेंटेज या फिर मास बाय वॉल्यूम। मास बाय मास मतलब कि
सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को ग्राम्स में मेजर किया हुआ है, जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट को ग्राम्स में मेजर किया है और सॉल्यूशन को लीटर्स में, तो उसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एग्जाम्पल 2.1 जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आपको बोला हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व है और पानी का अमाउंट है 320 ग्राम्स। तो जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, और ये कम अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है विच इज 40 ग्राम्स। मास इसलिए क्योंकि ये ग्राम्स में है, मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम्स। देखो गिवन है ना क्वेश्चन में कि इतने ग्राम ऑफ पानी में हमने इतने ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व किया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 320 ग्राम्स और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वाटर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालो। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है ना इनटू 100। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम्स अपॉन सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑब्वियसली सॉल्यूशन, तो हम इन दोनों के मासेस को सम करेंगे। तो 320 प्लस 40 ग्राम इज 360 ग्राम्स इनटू 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, आपका मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा जो कि आएगा करीबन 11.1%। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं इसके, आप इस न्यूमेरिकल को भी खुद से एक बार ट्राई करना। बस यही ट्रिक है कि आप सॉल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के अमाउंट में कंफ्यूज ना हो। कई बार ऐसा होगा जब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन ही गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा, किसी को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सॉल्वेंट गिवन हो तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सॉल्यूशन का मास निकलेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो हो चुका है क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।